नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल आईटेक नॉलेज पर। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने बीए बीएड बीएससी बीएड का फोर ईयर इंटीग्रेटेड का फॉर्म भरा था और उनका रिजल्ट अभी घोषित हो चुका है। तो दोस्तों, वो किस तरीके से काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो दोस्तों सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबाना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने वीडियो के लिए यार एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो बात चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो ब्लू लाइन पे जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो आपको ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आता है रिजल्ट इंटीग्रेटेड, यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट निकालना है और उसके बाद में आपको जो नीचे काउंसलिंग आई डी है ये आपको नोट करके रखनी है। ये आपको जो काउंसलिंग आई डी है नोट करके रखनी है। जैसे ही साइट के ऊपर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ जाता है तो आपको ये काउंसलिंग आईडी डालनी है। उसके बाद में वो आपके मोबाइल पे पासवर्ड भेज देगा, उससे आपको लॉगिन करके काउंसलिंग करवा लेनी है। उसमें आपको 5000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको 5000 प्लस 22000 रुपये बाद में कॉलेज में जमा कराने होंगे। अगर आपका नंबर नहीं आता है थर्ड लिस्ट में भी तो आपको 4800 रुपये वापिस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई दोस्त पहली बार अपने चैनल पे नया आया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, थैंक यू।